दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां कर दी जाएंगी डी रजिस्टर। 1 जनवरी 2022 को 10 साल पूरे कर चुकी गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। एनओसी मिलेगी जिसके साथ दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 15 साल पुरानी डीजल गाड़ी पर कोई एनओसी नहीं, कबाड़ हो जाएगी। जी हां, ये खबर दिल्ली के उन लोगों के लिए है जिनकी गाड़ियां 10 या 15 साल पुरानी हैं। पेट्रोल और डीजल की पुरानी गाड़ी को दिल्ली से बाहर ले जाने के लिए जरूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी को लेकर परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि 15 साल पूरे कर चुकी डीजल की गाड़ी को एनओसी नहीं दिया जाएगा, लेकिन डीजल की 10 साल पुरानी और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ी को शर्तों के साथ दूसरे राज्य ले जाने के लिए एनओसी दिया जाएगा। साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि 1 जनवरी 2022 को डीजल की जितनी गाड़ियां 10 साल की समय सीमा पूरा कर रही हैं उनको डी रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। एनओसी में देर नहीं। अभी हाल ही में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए थे कि एनओसी के लिए आने वाले आवेदनों को लंबित ना रखा जाए और जल्द से जल्द आवेदन का निपटारा कर एनओसी जारी कर दी जाए। इसके बाद विभाग ने ये आदेश जारी किया है। एनजीटी के निर्देशों के मुताबिक अगर किसी राज्य ने किसी खास जिले या जगह के लिए पुरानी गाड़ियों को एनओसी दिए जाने पर रोक लगा रखी है तो उस जगह के लिए परिवहन विभाग एनओसी जारी नहीं करेगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि डीजल पेट्रोल की पुरानी गाड़ियों के लिए एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। उनका कहना है कि समय सीमा पूरी कर चुकी गाड़ियों को डी रजिस्टर्ड किया जा रहा है और अगर कोई दूसरे राज्य में चलाने के लिए एनओसी लेना चाहता है तो उसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाने के लिए एजेंसियों की लिस्ट भी जल्द जारी कर दी जाएगी। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल कारों की एंट्री पर लगा बैन, इन कारों को मिलेगी छूट। इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट करवाने के लिए एजेंसियों की लिस्ट जल्द। परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि डीजल और पेट्रोल की पुरानी गाड़ियों के मालिकों को ये विकल्प भी दिया गया है कि वे अगर चाहें तो अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट करवा कर चला सकते हैं। पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की रेट्रोफिटमेंट के प्रोसेस के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट करवाने के लिए इलेक्ट्रिक किट अप्रूव्ड एजेंसी द्वारा ही लगवानी होगी। विभाग का कहना है कि एजेंसियों की लिस्ट जल्द ही जारी कर दी जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से प्योर इलेक्ट्रिक किट लगवाने वाली एजेंसियों की लिस्ट जारी की जाएगी। अगर गाड़ी की समय सीमा पूरी होने के से पहले कोई एनओसी लेना चाहता है तो उसे देश के किसी भी हिस्से के लिए एनओसी जारी कर दी जाएगी। होने के बाद ये देखा जाएगा कि जिस जगह के लिए एनओसी मांगी जा रही है वहाँ पर पुरानी गाड़ियों को चलाने पर कोई पाबंदी तो नहीं है। ऑब्जर्वर डॉन, ब्यूरो रिपोर्ट।